ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग हम घर पे बनाएंगे। अभी तो हम सुबह मॉर्निंग राइड में जा रहे, मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ, पीछे पे है। ये बोलने कि हम अपने चैनल पे फेस रिवील करेंगे, सही है। तो भाई मैं बताऊंगा आपको, सुबह मतलब हमको मजा बहुत आई क्योंकि सुबह हमने रन करा, उसके बाद हमने भाई बहुत काम करा। तो भाई सुबह तो भाई बहुत अच्छा लगा यार। सुबह एक तो धूप भी आई थी, हमने रन भी करा और रनिंग करके घर को आ रहे थे तो मैं के खेत पे घुस गए। तो भाई अपना साथ वाला था, उस भाई ने बोला कि भाई देखो पहाड़ों में होते इस टाइम अभी सीजन है धान चूटने का, ठीक है। तो सुबह भाई ने हमको बोल दिया कि भाई आ जाओ धान चूटने। हम गए खेत पे, धान चूटे, मजे से मस्ती करी, गाने आने बजाए, नाचे खूब। क्लिप में आपको दिखा दूंगा, मैंने सुबह थोड़ी सी वीडियो बना दी थी, ज्यादा बना नहीं पाया क्योंकि मैं खुद मजे कर रहा था। और गाइस आज है नामकरण, मैं दिखाऊंगा आपको पहाड़ों पे नामकरण कैसा होता है। मतलब मेरे चाचा का लड़का है, रिश्तेदार में लगते हैं तो नामकरण है, तो मैं आपको वहाँ भी लेके चलूंगा। फिलहाल तो भाई अभी सुबह के बज रहे 8, तो मॉर्निंग राइड का मजा लेते हैं। और क्या, भाई निकालने गया गाड़ी, भाई गाड़ी निकाल ले और बस चलते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको आगे का सीन। तो भाई ये रही अपनी बगमैन, ये लाए साथ में स्पीकर, गाने वाने सुनेंगे मजे से, और ये हेलमेट साफ कर रहे हैं, सही है। गाने सुन के चलेंगे, सुबह की मॉर्निंग राइड का फुल मजा लेंगे। और भी हम दोनों भाई ऐसे आगे एकदम लोअर ओवर में, क्योंकि अर्जेंट जाना था, पैसे निकालने, चलते हैं भाई। तो भाई निकाल ले गाड़ी, हम ऊपर रोड को चलते हैं। तो यार भाई जनरली सुबह मतलब इतने मजा आए, सीरियसली अच्छा लगा यार। बहुत दिनों बाद एक तो हमने धान वान चूटे, दोस्ती था, मतलब उस भाई ने बोला कि आ जाओ धान चूटते हैं। बाकी आज दिन सही यार, क्योंकि सुबह सुबह रनिंग करके भी मजा आए, धूप भी आ रखी है, मौसम अच्छा रखे। मौसम दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी अभी तो हम चल रहे हैं मार्केट गड़ाई, पता ही आपको, पैसे निकालने हैं, पैसे निकालते हैं। जल्दी में आना हो यार, कपड़े वपड़े जब भी चेंज नहीं करे, ऐसे ही में आ गए एकदम, लोअर ओवर पहन रखे हैं, देख सकते हैं। तो ये आ गई अपनी बगमैन, प्यारी लगती यार गाड़ी भी, मतलब सही है। तो भाई अभी हम पहुंच गए गणाई पे, गाड़ी पे रख कर दी पार्क, भाई गया है, स्पीकर रख दिया अंदर, भाई पैसे निकालने तो इसको कर देते हैं बंद। तो ये रहा सामने पे रहा बैंक, यहाँ पे सब पैसे निकालने के अंदर, मैं बाहर पे वेट कर रहा था, मैंने कहा तू जा क्या। बाकी फिलहाल ये है रहा कुछ अपना सा गणाई, अभी थोड़ी सी मौसम खराब होने की संभावना है, थोड़ा थोड़ा सा खराब होने लग गया है। सुबह तो धूप थी, अभी पता नहीं क्या हो गया मौसम को, ये पता नहीं कभी धूप आती है कभी बारिश हो जाती है। बाकी ये रहा एटीएम, एटीएम तो अभी बंद है, तो बैंक गया है, अभी बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, बाकी चाबी निकाल लेते हैं हम। मैं रुका था गाड़ी चला के, मैं ही लाया थोड़ी सी वहाँ से घर से, अभी देखते हैं चलते हैं। पापा ने कहा था कि घर जल्दी आना, तो हम जल्दी जल्दी घर चलते हैं। तो भाई लग गए हैं बादल, अभी बादल बिल्कुल थे नहीं, अचानक से मतलब पता नहीं कहाँ से आए, पूरा मजा गिड़गिड़ा कर दिया लोगों ने। तो गए अभी हम पहुंच गए घर पे, तो सुबह से नाश्ता नहीं करा, सबसे पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलेंगे वहां बच्चे के नामकरण पे, दिखाऊंगा मैं आपको। तो यार भूख बहुत लग गई है, नाश्ता करते सबसे पहले। तो गए जी रहा प्रदीप, ये अपना जिगरी आ रहा है। तो भाई हम दोनों आए थे नामकरण पे, ये सामने पे लग रखा है, छोटा सा ही है, मतलब सेलिब्रेशन गांव में ऐसे ही होता है भाई, ज्यादा कुछ बड़ा होता नहीं है, देख सकते हैं ये भीड़ लग रखी है। अब मैं सुबह आ गया था वैसे, उस टाइम ज्यादा भीड़ लगी थी और डीजी भी लग रखा था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि भाई पीछे से गाना भी बहुत आ रहा था, कॉपीराइट क्लेम का डर था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं करा उस टाइम। अभी लाइट गई है, डीजे बंद है, मैंने सोचा जल्दी से व्लॉग कर लूं, अभी तो थोड़ी देर में और ज्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी सब खाना खाने आते हैं। हमारे गांव में ऐसा होता है कि जब भी किसी के वहाँ कुछ होता है ना भाई, तो सब आ जाते हैं, खाना खाते हैं। तो भाई वहाँ नामकरण तो चल ही रहे, अभी हम आए थोड़े से पहाड़ वाड़ में देखने के लिए, थोड़ा सा हवा चल रही है, चिल करने आए हैं थोड़ा सा, मैं और पीछे पे नीर भी है, प्रदीप रहा।
तो भाई थोड़ी देर यहाँ पे चिल करते हैं क्योंकि बहुत शोर हो रहा था यार, ज्यादा शोर में रहना भी अच्छा नहीं लगता। तो भाई मस्त हवा चल रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, और भी हम चिल कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी देर चिल करते हैं उसके बाद चलते हैं, और खाना हम भी यहीं खाएंगे क्योंकि सब ऐसा होता है कि जहाँ भी कुछ होता है ना नामकरण शादी गाँव में, तो सब खाना एक ही के घर पे खाते हैं, मतलब बर्तनों पे बहुत सारा खाना बनता है। सबसे पहले मैं थोड़े सा चिल कर लें और मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ पर का कैसा दिख रहा है, देख लीजिएगा। सो हे गाइस, अभी के लिए तो वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि भाई तो बिजी है, भाई शायद उनको खाना खिला रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी के लिए व्लॉग मैं ही बना लूँ जब तक भाई उनको खाना नहीं खिलाते। तो भाई आपको मिलते हैं अभी खाना खाने के बाद। तो अभी हम धारे पे आए हैं, पानी भर के जाते हैं, सबको पानी पिलाना अच्छा कार्य करते हैं हम, तो पानी भरते हैं। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको धारा। तो भाई ये नीचे भर रही है पानी धारे में, देखो पूरा पानी इकट्ठा हो रही है, बहुत गंदे हाल कर रखे उन्होंने धारे के यार। मतलब भाई एक तो पानी भरते हैं और ऊपर से पूरा पानी साफ आप भी नहीं करते, मतलब एक साल हो गया होगा धारे में कलर करे, यहाँ से पानी ले जाते हैं सब। जब से धारा बना तब से कलरिंग आती है, कलरिंग कहाँ करे, बस अभी हम धारा पानी भरते हैं ले जाते हैं, फिर हम भी खाना खाते हैं। भाई सबने तो खाना खा दिया, हमको भी लगी भूख, हम तो सुबह आ गए थे, चलते हैं फिर। तो सो गाइस अब टाइम आ गया व्लॉग को एंड करने का, आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के, तब तक के लिए बाय बाय।